हेलो एवरीवन, आज आपको साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है हेल्दी फूड। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और अपनी बुक को ओपन करके ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा, जैसे मैं बोलूँगी आप उसको वैसे नोट डाउन करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकती बिना फूड के, बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकती। दे ईट फूड टू ग्रो एंड टू स्टे अलीव। दे ईट फूड, वो भोजन खाते हैं टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड टू स्टे अलीव, और ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। फूड गिव्स दैम स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड गिव्स दैम, फूड क्या देता है उनको? स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत देता है, एंड एनर्जी, और उनको एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और काम करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, फूड इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। फूड अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव अस फूड। प्लांट्स और एनिमल से हमें फूड मिलता है, जैसे कि सीरियल्स, पल्सिस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर द फूड डैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सीरियल्स हो गई अनाज जिसको बोलते हैं, पल्सिस दालें, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। मीट, एग, मिल्क, फिश एक्सेट्रा आर फूड डैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। मीट हो गया, एग्स, मिल्क, फिश एक्सेट्रा, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। वी ईट फूड इन रॉ फॉर्म और कुक्ड फॉर्म। वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, कुछ हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स आप कच्चे खाते हो धुल करके, और कुछ हम पकाने के बाद खाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फूड कंटेन सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट। फूड कंटेन सब्सटेंसेस, फूड के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, विच प्रोवाइड, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं? नरिशमेंट, यानी कि पोषण प्रदान कर दे हमारी बॉडी को। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी को पोषण प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हीं सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रफेज, और हमारे फूड में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसको हम रफेज बोलते हैं। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड बेटर, जो हेल्प करता है हमारे फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में अच्छे तरीके से। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड, और वाटर क्या है? हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, लिविंग थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। लिविंग थिंग रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, लिविंग थिंग को आवश्यकता होती है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की। ए बैलेंस्ड डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस्ड डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर राइट अमाउंट में, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है और रफेज होता है। इट प्रोवाइड कम्प्लीट न्यूट्रिशन, जो हमें पूरी तरीके से प्रोवाइड कराता है, कम्प्लीटली न्यूट्रिशन प्रदान करता है। मैनी डिजीज सच एज डायबिटीज, ओबेसिटी, स्कर्वी, मैरेस्मस एक्सेट्रा आर लिंक्ड टू पुअर न्यूट्रिशन। मैनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी होता है मोटापा, स्कर्वी, मैरेस्मस, ये विटामिन की कमी से होते हैं, एक्सेट्रा आर लिंक्ड टू पुअर न्यूट्रिशन। ये सब डिजीज़ हमें, अगर हम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे, अच्छी वाली बैलेंस डाइट नहीं है हमारी, जो हमारी डाइट है वो जरा भी बैलेंस नहीं है, तो उससे हमारी जो न्यूट्रिशन है वो पुअर हो जाएगा और हमें ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज़ बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट, तो हम इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। आप ये डायग्राम देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक प्लेट थाली है जिसमें आपके हर तरीके का फूड रखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं जिसमें। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें ब्रेड, राइस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रोटीन्स में मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा, ये प्रोटीन्स आते हैं, यानी कि मीट, फिश, एग्स से हम क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। फैट्स है, फैट्स में स्वीट्स और बर्गर्स आते हैं, जो आप लोग बहुत पसंद करते हो, फास्ट फूड। ऑल न्यूट्रिएंट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सारे मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए आप, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब न्यूट्रिएंट्स इन फूड के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं हमारे फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं।
अब ये चार्ट दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें टाइप्स ऑफ फूड है और न्यूट्रिएंट्स है। अगर आप सीरियल्स एंड मिलेट्स ले रहे हो, मिलेट्स मतलब बाजरा और सीरियल्स अनाज, अगर आप ये ले रहे हो तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है। सेकंड है पल्सेस, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स होता है फलियां और लेंटिल्स होता है मटर की दाल। तो पल्सेस दालें होती हैं। अगर आप ये फूड में ये सब चीज़ें ले रहे हो तो इसमें न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, अगर आप मिल्क और उससे बनी चीज़ें ले रहे हो, खा रहे हो, तो प्रोटीन्स है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नट्स एंड ऑयल सीड्स, नट्स और ऑयल सीड्स, नट्स मतलब जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, और ऑयल सीड्स, उसमें फैट्स और प्रोटीन्स पाया जाता है। ऑयल्स में फैट्स मिलता है, वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड में प्रोटीन्स और फैट्स मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि वो फूड जो हमें एनर्जी देता है। फूड डेट कंटेन हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो फूड जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट्स होता है, वो हमें लॉट ऑफ एनर्जी देता है, अधिक मात्रा में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होता है उसी से ही हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उसी को ही एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है हमें एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और हमें एनर्जी की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, काम करने के लिए या फिर खेलने के लिए। द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फर्स्ट है शुगर एंड सेकेंड है स्टार्च। फूड डैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स राइस, वीट, पोटैटो एक्सेट्रा। वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है राइस, वीट, पोटैटो एक्सेट्रा। उसके बाद फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी डैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीप अवर बॉडी वार्म। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी, फैट्स प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीप अवर बॉडी वार्म। यानी कि फैट्स प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। फूड डैट इज़ रिच इन फैट्स इंक्लूड्स ऑयल, स्वीट्स, नट्स, बटर एक्सेट्रा। वो फूड जिसमें अधिक मात्रा में फैट्स मिलता है, जैसे कि ऑयल, स्वीट्स, नट्स, बटर एक्सेट्रा। हाउएवर वी शुड नॉट ईट टू मच फैटी फूड इफ़ वी डू नॉट डू मच फिजिकल वर्क। अगर आप ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे, ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं कर रहे, तो आपको ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आप खा सकते हो, क्योंकि आपका वो आपके स्वेट के साथ साथ, यानी कि पसीने के साथ साथ वो बाहर निकल जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो वो अंदर ही रहेगा, तो आप बहुत फैटी हो जाओगे फैटी फूड खाने से। दिस इज़ बिकॉज अवर फूड स्टोर एक्स्ट्रा फैट एंड मेक अस फैट। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी स्टोर करती है एक्स्ट्रा फैट जो हमें फैटी बना देती है। ओके, तो अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो आप फैटी फूड भी नहीं खाओगे। अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आप फैटी फूड खा सकते हो। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड डैट कंटेन ए हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वो फूड जिसमें हाई क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाया जाता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। दे आर नीडेड बाय अवर बॉडी टू बिल्ड मसल्स, टू ग्रो एंड टू रिपेयर द टिश्यूज। दे आर नीडेड बाय अवर बॉडी टू बिल्ड मसल्स, इसकी ज़रूरत होती है हमारी मसल्स को बनाने में, बिल्ड करने में, टू ग्रो ग्रोथ करने में, और रिपेयर हमारी जो टिश्यूज होती है उनको रिपेयरिंग करने में बॉडी बिल्डिंग फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज है बच्चों आपका, पैराग्राफ देखिए। चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर प्रोटीन्स डैट देन एडल्ट्स। चिल्ड्रन नीड, चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन की देन एडल्ट्स, एडल्ट से ज़्यादा चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन की ग्रोथ होती रहती है, जो एडल्ट्स हो गए उनकी ग्रोथ हो चुकी, तो उन्हें अब प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी चिल्ड्रंस को होती है, बच्चों को होती है। फूड डैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स इंक्लूड, वो फूड जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, जैसे कि फिश, मीट, चीज़, पल्सेस एक्सेट्रा। फूड गॉट फ्रॉम एनिमल्स हैज़ हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन डैट फूड गॉट फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि वो फूड जिसमें हायर क्वांटिटी में प्रोटीन्स मिलता है वो हमें एनिमल से मिलता है, जबकि प्लांट से हमें इतना प्रोटीन नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड है फूड डैट कंटेन ए हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड जिसमें हाई क्वांटिटी में विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है उसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं।
दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डिजीज़ से, बीमारियों से बचाता है, एंड कीप अस फिट, और हमें फिट रखता है, एंड हेल्दी, और हेल्दी रखता है। विटामिन्स हेल्प द बॉडी टू फाइट डिजीज़। विटामिन्स हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में, एंड कीप अस फिट, और हमें फिट रखने में। द बॉडी नीड्स ओनली अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ विटामिन्स। हमारी बॉडी को एक कम मात्रा में, कम क्वान्टिटी में ज़रूरत होती है विटामिन्स की। मिनरल्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। मिनरल्स किस में हेल्प करता है, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट में, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको डेवलप करने में मिनरल्स हेल्प करता है। टीथ एंड ब्लड, और हमारे टीथ की ग्रोथ करने में और हमारे ब्लड को बढ़ाने में मिनरल्स हेल्प करता है। द डिफरेंट मिनरल्स नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ आर कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। डिफरेंट मिनरल्स जिसमें, जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं, नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जिसमें हम कम मात्रा में हमें इसकी जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ये सब मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि अगर हमें फूड में ये थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए रोज़, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं कि इसमें अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, रोज़ चाहिए होता है कम क्वान्टिटी में, स्मॉल क्वान्टिटी में। फूड डैट इज़ रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्लूड्स, वो फूड जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं इंक्लूड्स, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट एंड मिल्क। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फिश, मीट एंड मिल्क। ओके, तो इन सब में क्या मिलता है, हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है। चार्ट फॉर विटामिन्स, और विटामिन्स के लिए चार्ट बनाया हुआ है। विटामिन ए, बेनिफिट्स क्या है इसके, गुड विजन, यानी कि हमारी जो विज़न होती है, देखने की जो हमारी दृष्टि होती है ना, देखने की जो शक्ति होती है वो हमारी अच्छी होती है, गुड होती है। हेल्दी स्किन, हमारी स्किन हेल्दी होती है, स्वस्थ रहती है हमारी स्किन। सोर्सेज क्या क्या है इसके, यानी कि कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, लीवर, टोमेटोज, कैरेट्स एक्सेट्रा, यानी कि इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी, हेल्दी गम्स एंड टीथ, जो हमारे गम्स को, जो हमारे कैनाइंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं, पीछे वाले जो दांत होते, जिसको मसूड़े भी बोलते हैं, उनको हेल्दी गम्स, यानी कि वो हेल्दी बनाते हैं गम्स को एंड टीथ, और हमारे दांतों को। सोर्सेज क्या क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज हैं, हरी सब्जियां, पोटैटोज, सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। विटामिन बी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी मसल्स, हमारी मसल्स को हेल्दी और उनकी ग्रोथ करने में, मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। नर्व्स, स्किन एंड हेयर, यानी कि हमारी स्किन, हेयर और नर्व्स में भी हेल्प करता है। होल व्हीट सीरियल्स एंड ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स, फिट्स एक्सेट्रा। होल व्हीट मतलब जो साबुत दालें होती हैं, ब्रेड होती है, हरी सब्जियां होती हैं, एग्स, नट्स, फिट्स एक्सेट्रा, ये सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन डी, हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स हेल्दी होती है, और टीथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। उसके बाद सोर्सेज हैं ऑयल, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स एक्सेट्रा, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, विटामिन ई क्या करता है, फॉर्मेशन बनाता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल खून की जो सेल्स होती हैं, ठीक है। मीट, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा, इन सब सी सब सोर्सेज होती हैं जहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट पेज है फूड प्रिपरेशन। फूड लाइक फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो। फूड जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, हम उनको कच्चा खाते हैं। मोस्ट वेजिटेबल, एग्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन आफ्टर कुकिंग, और कुछ वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, ये सब क्या होते हैं, कुकिंग के बाद खाए जाते हैं, कुक करने के बाद। कुकिंग मेक्स फूड टेस्टियर। कुकिंग क्या करती है, हमारे फूड को टेस्टियर, टेस्टी बनाती है, सॉफ्टर, सॉफ्ट बनाती है। ईजिली डाइजेस्टेबल, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, पचा सके, जिसको हम आसानी से, एंड फ्री ऑफ जम्स, और हमारे जम्स को फ्री, जम्स फ्री बनाती है हमारे खाने को, कुक करने के बाद, पकाने के बाद। डिफरेंट स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक LPG, गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, सोलर कुकर, हॉट प्लेट, ग्रिल, तंदूर चूल्हा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम खाना पकाते हैं। आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है फूड को पकाने में, भोजन को पकाने में। कुकवेयर इंक्लूड सॉस पैंस, फ्राइंग पैंस, कुकवेयर इंक्लूड्स, यानी कि जो बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं, उसमें सॉस पैन हो गया, फ्राइंग पैन, प्लेट्स, ग्रिडल्स, वॉक्स एंड लेडल्स मेड ऑफ मेटल्स एंड सेरेमिक, जो मेटल्स और सेरेमिक के बने रहते हैं, ये कुकवेयर होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है हमारे फूड को कुक करने में। डायग्राम देखें जिसमें आपका स्टीमिंग दिया हुआ है, यानी कि वो चीज़ें, वो खाना जो हम भाप में पकाते हैं, बॉइलिंग जो हम उबालते हैं, रोस्टिंग जो रोस्ट करके खाया जाता है, बेकिंग जो बेक करके खाया जाता है, जैसे केक्स वगैरह आप खाते हैं, और फ्राइंग जो फ्राई करने के बाद खाया जाता है। तो ये सारे डायग्राम दिए हुए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, फूड इज़ कुक्ड इन मैनी डिफरेंट वेज,
फूड को कुक किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि इडलीज एंड ढोकलाज आर मेड बाय स्टीमिंग, स्टीम करते हैं इडली और ढोकला को, भाप में पकाया जाता है इन्हें प्रेशर कुकर और डबल बॉयलर में। दाल एंड सूप आर प्रिपेयर्ड बाय बॉयलिंग इन सॉस पैन, दाल और सूप को हम सॉस पैन में बॉयल करते हैं, उबालते हैं। तंदूरी रोटी एंड पापड़ आर कुक्ड बाय रोस्टिंग, ये रोस्ट करके बनाया जाता है तंदूर रोटी या फिर पापड़। ओपन फायर के अंदर इसको हम पकाते हैं। समोसा पकौड़ा जलेबी आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग इन हॉट ऑयल, गर्म तेल में इसको फ्राइंग करते हैं। केक एंड ब्रेड्स आर मेड बाय बेकिंग इन ओवन्स, और केक और ब्रेड्स हम क्या करते हैं ओवन में बेक करते हैं। समथिंग्स नीड टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल कुकिंग फूड सो डैट द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड इज़ नॉट लॉस्ट। समथिंग नीड टू बी कैप्ट इन माइंड, हमें अपने माइंड में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब हम कुकिंग करते हैं फूड को कि हमारे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। रॉ फूड शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग, जितने भी कच्चा फूड होता है वो हमें धोकर काटना चाहिए, नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग, यानी कि कटिंग के बाद उसको नहीं धोना चाहिए, हमें कटिंग से पहले धो लेना चाहिए उसको, क्योंकि उसके जम्स जितने भी होंगे वो बाहर से वो सब धुल जाएंगे और कटने के बाद वो उसके अंदर भी पहुँच सकते हैं अगर हम उसको धुलेंगे तो। द वाटर यूज फॉर सोकिंग पल्सिस एंड ग्राम्स शुड नॉट बी थ्रोन अवे, इट शुड बी यूज फॉर कुकिंग। अगर हमने कोई भी दाल, कोई भी चने वगैरह की सब्जियां अगर हमने भिगोई है पानी के अंदर, तो हमें जो उसका पानी होता है वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है फूड स्पॉयलर्स, माइक्रोब्स स्पॉयल फूड, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दे अटैक अनकवर्ड फूड, वो अटैक करते हैं हमारा जो अनकवर्ड फूड होता है, यानी कि जो खाना ढका हुआ नहीं होता वहाँ पर अटैक करते हैं। मेनली ओल्ड एंड मॉइस्ट, पुराना बासी भोजन या फिर मॉइस्ट जहाँ पर नमी होती है ऐसे भोजन के ऊपर वो ज़्यादा अटैक करते हैं। फूड लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स डैट नीड टू बी ईटन फ्रेश एज दे गेट स्पॉइल्ड फास्टर दैन फूड लाइक दाल्स ग्रेन्स डैट वी कैन स्टोर। फूड लाइक वेजिटेबल्स, फूड जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, नीड टू बी ईटन फ्रेश, हमें इनको फ्रेशली खाना चाहिए, एज दे गेट स्पॉइल्ड फास्टर, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, दैन फूड लाइक दाल्स और ग्रेन्स के अगर कंपेयर करें हम, जो पका हुआ भोजन है उसकी कंपेयर करें और जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं फ्रूट्स होते हैं उसकी कंपेयर करें, तो हमारा जो कच्ची सब्जी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है पकी हुई सब्जी से ज़्यादा, या फिर दाल्स जो होती हैं और ग्रेन्स अगर आपकी आई है, मतलब ये फूड कच्चा जो होता है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, वो ख़राब होने का बहुत डर रहता है और ख़राब हो भी जाते हैं। देखिए दिखाए हुए जैसे फूड स्पॉयलेज हुआ है, जैसे कि आपकी जो ब्रेड है वो स्पॉयल हो गई, ख़राब हो गई, तो देखिए कैसे दिखती है। स्पॉयल्ड सोयाबीन, सोयाबीन ख़राब हो गई। स्पॉयल्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स आपने देखे, आप घर में सब कुछ देखते हो, फिश अगर ख़राब होगी तो कैसी होती है, ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, सब ये ख़राब चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है डिजीज़, नेक्स्ट पेज पर, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जो माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज़ होती हैं उसको जर्म्स बोलते हैं। दे आर सो टीनी डैट वी कैन नॉट सी दैम विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ये बहुत छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको नहीं देख सकते। द फोर टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड फंगी, चार तरह के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड फंगी। माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस, माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ होते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, कहाँ पाए जाते हैं, एयर में, सोयल में, वाटर में और हमारी बॉडीज़ पर। दिस मीन्स दे कैन गेट इन टू फूड एंड स्पॉइल इट, इसका मतलब है वो आसानी से हमारे भोजन में आ सकते हैं और स्पॉइल कर सकते, ख़राब कर सकते हमारे भोजन को। वी शुड नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड एज वी मे फॉल ई, हमें ख़राब भोजन नहीं खाना चाहिए, अगर हम उसको खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, हो जाएंगे। वी शुड थ्रो इट अवे, तो हमें इसको फेंक देना चाहिए। द माइक्रोब्स डैट कॉज स्पॉयलेज ऑफ फूड आर बैक्टीरिया एंड टू टाइप ऑफ फंगी कॉल्ड ईस्ट एंड मोल्ड, वो माइक्रोब्स जिसके कारण से हमारा फूड ख़राब होता है उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, और बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, फंगी सॉरी बैक्टीरिया एंड टू टाइप ऑफ फंगी, बैक्टीरिया और दो तरह की फंगी होती है जिसको ईस्ट और मोल्ड बोलते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा जो फूड होता है वो स्पॉयल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ये माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी।
उसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हमें अपने खाने को कैसे प्रिजर्व करके सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। प्रिजर्वेशन, संरक्षण बोलते हैं प्रिजर्वेशन को, या फिर सुरक्षित लिख सकते हो आप। कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कैसे हमें स्टोर करके रखना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए अपने फूड का। मैथड यूज टू प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड आर कॉल्ड मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मैथड यूज टू प्रिवेंट स्पॉयलेज, यानी कि वो मैथड जिससे हम अपने फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि वो मेथड जिसमें हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज, हम अलग अलग तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हैं फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है वी अप्लाई साल्ट टू फिश, अगर आप फिश को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको नमक लगा के रख दीजिए तो वो ख़राब नहीं होगी। दिस मेथड इज़ कॉल्ड साल्टिंग, इस मेथड को साल्टिंग बोलते हैं। सेकेंड है आपका वी रिमूव द वाटर इन फूड बाय ड्राइंग आइटम्स लाइक पोटैटोज, वेफर्स, रॉ मैंगो, पीसीज ऑफ फोर आमचूर एंड दाल बड़ीज, दिस मेथड इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो आप इनको पानी सुखा सकते हो, इनका ड्राई कर सकते हो पानी, जैसे पोटैटो वेफर्स हो गए अगर आप चिप्स वगैरह बना रहे हो, रो मैंगो हो गए कच्चे आम जो होते हैं, पीसीज फॉर आमचूर यानी कि अचार वगैरह डालने के लिए, आमचूर बनाने के लिए, दाल बड़ीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसका पानी को निकाल देते हैं, ड्राई कर देते हैं, तो इसी को इस मेथड का नाम है ड्राइंग। थर्ड है वी ऐड साल्ट ऑयल एंड स्पाइसेस टू वेजिटेबल्स, हम कुछ नमक ऑयल और स्पाइसेस टू वेजिटेबल्स यानी कि मिर्च मसाला वगैरह यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स में अचार बनाने के लिए, इसी मेथड को पिकलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वी ऐड शुगर टू फ्रूट टू मेक जैम एंड मैरमेलेड, अगर आप जैम्स वगैरह बना रहे हैं तो आप उसमें फ्रूट्स में शुगर को ऐड कर सकते हैं, तो उस मेथड को स्वीटनिंग बोलते हैं। वी स्टोर चीज़ इन टिन्स एंड कैंस, दिस मेथड इज़ कॉल्ड कैनिंग, अगर आप चीज़ और चीज़ को स्टोर करके रख रहे हो कैंस में और टिन्स में तो उस मेथड को कैनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वी कैप फूड एट लो टेम्परेचर, अगर आप फूड को लो टेम्परेचर पर रख रहे हो इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर, दिस मेथड इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग और फ्रीजिंग, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग बोलते हैं और फ्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वी बॉयल मिल्क टू हाई टेम्परेचर एंड देन कूल इट टू लो टेम्परेचर, अगर आप मिल्क को बॉयल कर रहे हो हाई टेम्परेचर पर और उसके बाद कूल कर रहे हो उसे लो टेम्परेचर पर तो इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन बोलते हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है अपनी बुक को ओपन करके। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।